बोकारो दिन भर में आज चीराचास में अतिक्रमण के खिलाफ नगर सेवा ने उठाया सख्त कदम, बताएंगे। चंदन क्यारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने क्यों किया वृद्ध आश्रम का दौरा, जानेंगे। उड़ीसा के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर मिथुन कुमार जेना क्यों पहुंचे बोकारो, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, दो दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। MEH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कृषि कानूनों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार कानूनों को पहले होल्ड पर रखे, वरना सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा देगा। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि, अब तक 9 राज्यों में फैला संक्रमण। 16 जनवरी से लगेंगे कोरोना के टीके, भारत में कोरोना मामले 1,04,00,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 399 नए मामले, 12 की मौत। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 486 अंक और निफ्टी 137 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 160 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 900 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की तीन बड़ी खबरों पर। टेरर फंडिंग मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जेल में NIA ने की पूछताछ। पूरे झारखंड में बढ़ी गर्माहट, सोमवार से एक बार फिर बदल सकता है मौसम। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 145 नए मामले सामने आए, वहीं दो लोगों की मौत हो गई। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बोकारो जिला समिति ने आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सिब्बू सोरेन का 77वां जन्मदिन मनाया। आज हमारे परम आदरणीय राज्य के महामहिम महामहिमों के पति के सुप्रीमो आदरणीय गुरु जी का 77वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और कार्यकर्ताओं में आज आप देख रहे हैं काफ़ी हर लोग हर्षोल्लास है। गुरु जी का जिस सोच के साथ उन्होंने संघर्ष शुरू किया था झारखंड राज्य को अलग करने के लिए, और कहीं ना कहीं आज वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। चीराचास से बोकारो क्लब जाने वाली सिंगल सड़क के पास कई दिनों से अतिक्रमण की मिल रही शिकायतों को देखते हुए आज नगर सेवा ने सख्त कदम उठाते हुए अतिक्रमण को हटाने का काम किया। चंदन क्यारी की प्रखंड विकास पदाधिकारी वेदवंती कुमारी ने रविवार को श्री अमर संस्कार कल्याण केंद्र संस्था द्वारा चलाए जा रहे वृद्ध आश्रमों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और खाने पीने और स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन और ठंड से बचने के लिए कम्बल उपलब्ध कराए। तैलीय कल्याण समिति के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। को हमारे रानी पोखर के सौजाति बंधु
अपने पुश्तैनी जमीन पे जिसने 22 वर्ष पूर्व काली मंदिर का स्थापना किए थे। काली मंदिर का स्थापना ऐसा चीज है कि दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता उसको। यही सब मांग है जिले के कप्तान और आयुक्त महोदय से कि इनको यहां से निलंबित करते हुए काली मंदिर तोड़फोड़ का न्यायिक जांच हो और जो हमारे लोगों पर मुकदमा हुआ है उसको अविलंब वापस ले। बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन के सदस्यों ने आज गरगा डैम पुल के पास सिनेमैटिक वर्कशॉप और वन भोज का आयोजन किया, जिसमें उड़ीसा के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर मिथुन कुमार जेना के द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों को बेसिक सिनेमैटिक की जानकारी दी गई। किसी भी संगठन की रीढ़ है युवा शक्ति। जिस संगठन की युवा शक्ति मजबूत होगी वह संगठन खुद ब खुद मजबूत होगा, यह कहते हुए प्रदेश इंटक के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने सेक्टर 5 के मॉर्निंग ग्लोरी स्कूल में इंटक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही उन्होंने कहा कि बोकारो के यूथ इंटक के विकास में हर तरह से सहयोग किया जाएगा। MEH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की आज 212वीं जयंती मनाई गई। आज डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक थे वो इटली के बोलोंगना के थे और उनका जन्म 11 जनवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। उनकी आज हम लोग 212वीं जयंती मना रहे हैं। इसमें बोकारो के एवं बोकारो से बाहर के सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के चिकित्सक गण पधारे हुए हैं और इस समारोह के मुख्य अतिथि चास कॉलेज चास के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD श्री डॉक्टर SN पांडे ही आए हुए हैं और उन्हीं के द्वारा समारोह का शुभारंभ होगा और उन्हीं के द्वारा उद्घाटन होगा। बाहर जैसे धनबाद से, झरिया से, जैना मोड़ साइड से आए हुए हैं। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में बोकारो में 7 और नए कोरोना मामले सामने आए, वहीं 7 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे, जबकि जिला भर से 657 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। मिथिला सांस्कृतिक परिषद की ओर से रविवार को वार्षिक कैलेंडर 2021 का लोकार्पण सेक्टर 4 के मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल में किया गया। मुख्य अतिथि चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने कहा कि अपनी कला संस्कृति और परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करना जरूरी है। चित्रगुप्त महापरिवार बोकारो जिला और लाल बहादुर शास्त्री सेवा समिति ने संयुक्त रूप से आज लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि सेक्टर 6 लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा स्थल पर मनाई। आज अपने महामानव लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि पे हम लोग उपस्थित हैं और इनकी सादगी और इनकी ईमानदारी विश्व में एक उदाहरण के रूप में है। मैथ्स एक साइंस है जो नंबर, शेप, क्वांटिटी और अरेंजमेंट के लॉजिक से रिलेटेड है। मैथ्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर चीज़ में मौजूद है, जैसे हमारे मोबाइल डिवाइस में, आर्किटेक्चर में, कला में, पैसे में, इंजीनियरिंग में और यहाँ तक कि खेल में भी। चाहे बच्चा हो या अभिभावक, हर कोई जानता है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि यह सब्जेक्ट आगे चलकर बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स को करने का एक बुनियाद देता है।
लेकिन उसके लिए हमारे क्लास 12 तक के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्लास 10 से क्लास 11 में गए बच्चे अपने मैथ के बेसिक की शुरुआत कैसे करें, यह जानने के लिए आप द टाइम्स मीडिया के शो लर्न द बेसिक ऑफ मैथ्स देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब हम मैथ्स के शुरू करेंगे तो होना चाहिए कौन सा टॉपिक शुरू करें कि जिसको 10 के बाद ज़्यादा बर्डन ना हो, ज़्यादा टेंशन ना हो, आसानी से समझा जा सके। तो आप इन इक्वेशन पढ़ सकते हैं, आप सेक्स एंड रिलेशन पढ़ सकते हैं, फिर यूट्यूब का लेक्चर देखो इक्वेशन का, इक्वेशन वाले यूट्यूब में लेक्चर ढेर सारे आ जाते हैं, तो उसको देखो समझो, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करो, आप आंसर मैच करो। तो प्रयास करेंगे तो हर कुछ अवेलेबल होता है। ज्योमेट्रिकल पार्ट, जब प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में टफ होना होता है ना, तो राइट हैंड का ज्योमेट्री उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो आपको चाहिए कि वहाँ का ज्योमेट्रिकल पार्ट को मतलब जो पिछले वाला क्लास है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद जो कम्प्लेक्स नंबर है आप वहाँ थोड़ा सा बचने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में जो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का यूज होता है आप वहाँ से थोड़ा सा बच सकते हो। थ्री डायमेंशनल है जहाँ आपको समझाने की जरूरत पड़ती है, थ्री डायमेंशनल देखकर वहाँ आप बचने का प्रयास कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज सुबह से ही आसमान साफ है, ठंडी हवाएं चल रही है, धूप निकलने के साथ मौसम में गर्माहट भी बढ़ती नजर आई और दिन ढलते ही तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिनभर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।